ओके स्टार्ट करो। आज हम सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक कंपोनेंट क्या होता है सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है सॉल्वेंट। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस इन अमाउंट, जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होगा, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, लार्ज इन अमाउंट, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वह सॉल्वेंट होता है, जिसकी कम होती है वो सॉल्यूट होता है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सॉल्यूशन। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, ये हमने एक बीकर ले लिया है, ये वाटर है 180 ग्राम वाटर है, ऊपर से साल्ट मिला रहे हैं, ये 8 ग्राम है अनेसियर। तो 180 ग्राम ज्यादा होता है या 8 ग्राम, 8 ग्राम लेस होता है तो ये क्या है सॉल्यूट है, और ये ज्यादा है तो ये क्या है सॉल्वेंट। अब ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे सॉल्यूशन बना देंगे। तो आज हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। पहले हमने सॉल्यूट पढ़ा। सॉल्यूट क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और दोनों को हम क्या कहते हैं सॉल्यूशन। एग्जांपल लिया हमने बीकर ले लो, बीकर में आपने 180 ग्राम वाटर ले लिया और 8 ग्राम मैग्नीशियम हम इसके अंदर घोल रहे हैं, तो ये क्या है सॉल्यूट है, और ये क्या है इसकी मात्रा ज्यादा, ये क्या है सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, बाइनरी, जैसा कि नाम से पता है बाय का मतलब होता है दो। द सॉल्यूशन इन विच वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, जिसके अंदर क्या होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, उसको क्या कहेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन। एक होता है टर्शियरी सॉल्यूशन, जैसा कि नाम से पता है तीन, जिसमें आप दो सॉल्यूट होंगे एक क्या हुआ सॉल्वेंट, उसको हम कहेंगे टर्शियरी सॉल्यूशन। तो आज हमने सेकंड यूनिट को स्टार्ट किया है, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, वह कंपोनेंट जो लेस इन अमाउंट होता है, कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल लिया हमने अनेसियल है 8 ग्राम है और वाटर 180 ग्राम है, तो 8 ग्राम अनेसियल क्या है सॉल्यूट है, 180 ग्राम वाटर क्या है सॉल्वेंट है। फिर हमने पढ़ा सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स है, बाइनरी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन बाई का होता है दो, द सॉल्यूशन इन विच वन सॉल्यूट वन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इज बाइनरी सॉल्यूशन। इसी तरह टर्शियरी सॉल्यूशन है, जिसमें द सॉल्यूशन इन विच टू सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड टर्शियरी सॉल्यूशन। इस प्रकार हमने आज सॉल्यूशन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है डायल्यूट सॉल्यूशन। डायल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट
जैसा अमाउंट एंड सॉल्वेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपने डाइल्यूट एसिड सुने होंगे, डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है एसिड की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है ज्यादा। जैसे अस्सी परसेंट क्या है वाटर है, 20% क्या है अन्य सीवर है, तो ये क्या है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका उल्टा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? कंसंट्रेट। उल्टा गया सॉल्यूट क्या होगा, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इन लार्ज अमाउंट एंड सॉल्वेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ऐसे, अब 80% तो आप किसको कर रहे हैं अन्य सेट को, और 20% किसको करते हैं वाटर। यह हमारा कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हमने आप इस वीडियो में इसमें देखा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इन लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट इन लार्ज अमाउंट। सॉल्वेंट ज्यादा हो सॉल्यूट कम हो तो कैसा सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड क्या होता है इससे जस्ट अपोजिट है, सॉल्यूट इन लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट इन लेस अमाउंट। इसका एग्जाम्पल भी देखा, 80% NaCl ले लें 20% वाटर ले लें तो कैसा हो जाएगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अपने कंसंट्रेटेड एसिड भी पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? सैचुरेटेड का मतलब तरल थर्मल, ठीक है, छिप जाना मतलब। अब क्या होता है जैसे ये देखें, ये बिकर ले लिया हम, इसमें पानी ले लिया हम, इसमें हम शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं, वो डिजोल्व हो रही है लेकिन एक ऐसा ऐसी पॉइंट आएगा जिसके बाद वो घुलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब कुछ समय के बाद शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाती है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने कितने ग्राम ले लिया है, 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया है, ऊपर से हम शुगर या क्या मिला रहे हैं सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी एंड सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट की ज्यादा से ज्यादा मात्रा जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में घुल सकती है उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे, और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये थे हमारे सॉल्यूशन के बारे में कुछ। अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखें, नो होते हैं तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर सॉल्वेंट टेबल है, फिर क्या है सॉल्यूट, फिर क्या है एग्जाम्पल।
सबसे पहले तीन बार गैस लिख लें, फिर तीन बार लिक्विड लिख लें, फिर तीन बार सॉलिड लिख लें। तो कितने हो गए हैं? 9। अब यहां पर गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। अब देखिए वो बोला क्या जाता है, आपको सॉल्यूट पहले डालना है, फिर सॉल्वेंट, फिर इन लगाना है आपने। तो इसको क्या बोलेंगे? गैस इन गैस। इसको क्या बोलेंगे? लिक्विड इन गैस। इसको क्या बोलेंगे? पहले सॉल्यूट बोलना है, सॉलिड इन गैस। फिर क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? गैस इन लिक्विड। इसमें कौन डिजोल्व है? लिक्विड इन लिक्विड। इसमें कौन डिजोल्व है? सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, यहाँ सॉलिड इन सॉलिड। तो सबसे पहला है गैस इन गैस। एग्जांपल बताएं, एयर है, हवा के अंदर क्या आती है? गैस, गैस के अंदर डिजोल्व है, तो सॉल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी क्या है? गैस। सेकंड क्या है? लिक्विड इन गैस। आप बताएं धातु क्या होगा? बोल दीजिए वाटर वेपर। हमारे वायुमंडल में एयर में क्या होते हैं? वाटर वेपर इन एयर। अगला है सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा धुआं। धुआं भी हमारा कहां जाता है? धुएं के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, वो कहां होते हैं? एयर में, तो गैस के अंदर है। अब नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का उदाहरण बताएं क्या होता है? गैस इन लिक्विड बोथ है, ये सोडा वाटर है, पेप्सी है, कोका कोला, ये सभी क्या होते हैं? गैस इन लिक्विड। अगला है लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर। आप अल्कोहल और दारू को मिलाते हैं पानी में, तो क्या है? लिक्विड इन लिक्विड है। अगला है सॉलिड इन लिक्विड। इसका बहुत बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, कौन? अनेसियम नमक है, किसमें डिजोल्व है? वाटर। अगला है गैस इन सॉलिड। इसका है एडजॉर्प्शन। ये हमारे अलग से यूनिट है, एडजॉर्प्शन नहीं है, एडजॉर्प्शन है कि सरफेस के फिनोमेनन है, सरफेस पर अंदर नहीं जाते, हाइड्रोजन कहाँ एडजॉर्ब हो जाते हैं? सरफेस पर, इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। लिक्विड इन गैस अमलगम्स, अमलगम्स अलॉय होते हैं, लेकिन अलॉय में एक मेटल क्या होनी चाहिए? मरकरी। और मरकरी कैसी होती है? एक ही मेटल है जो लिक्विड होती है, तो वो क्या होती है? लिक्विड इन सॉलिड। ये क्या है? सॉलिड इन सॉलिड क्या है? अलॉयज है। ये भी अलॉय है, ये भी अलॉय है, लेकिन अगर एक मेटल मरकरी होती है तो तब अमलगम्स बोलते हैं। अलॉय में दोनों के दोनों सॉलिड होते हैं, ये भी सॉलिड है, ये भी क्या है? सॉलिड। इसको याद रखना तरीका है, ए ए ए ऐसे सॉलिड मिलेगा सॉल्वेंट एडजॉर्प्शन ए, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड के लिए अमलगम्स ए, और सॉलिड सॉलिड के लिए अलॉयज ए हो गया है। इसमें मरकरी आ गई है, मरकरी क्या होती है? लिक्विड होती है। तो एक रिवाइज कर लेते हैं, सबसे पहला क्या है? गैस इन गैस है, हमने सॉल्वेंट को पहले बोला है, सॉल्वेंट को बोला है, इसको क्या बोलेंगे? लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। हवा, हवा के अंदर क्या होती है? गैस, गैस के अंदर होती है। वाटर वेपर भी एयर के अंदर होते हैं, लिक्विड इन गैस है। धुएं के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, सोडा वाटर है, पेप्सी जो है, गैस डिजोल्व होती है लिक्विड के अंदर। अल्कोहल इसके अंदर डिजोल्व होती है वाटर के अंदर। अगर हम अनेसियम मिला रहे हैं तो सॉलिड इन लिक्विड है। और इसके लिए बताया गया आपको ए ए तीन बार याद करना है, एडजॉर्प्शन अमलगम्स अलॉयज। इसमें इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर अमलगम्स के कारण मरकरी होती है, अमलगम्स भी आ जाए, और वो क्या होती है? लिक्विड होती है, इसलिए लिक्विड इन सॉलिड है। अलॉय व्हील सुने आपने, जो बाइक होती है उनके व्हील होते हैं, वो अलॉय के बने होते हैं। इनमें से ये दो हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, क्योंकि ये दोनों होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनाते, क्योंकि
क्योंकि सॉल्यूशन कैसा मिक्सर होता है, होमोजेनियस होता है, कैसा मिक्सर होता है, होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब यूनिफॉर्म होगी इसकी कंपोजिशन, कैसी होगी, यूनिफॉर्म, ठीक है। जैसे हमने ये बीकर लिया, बीकर में पानी है, उसमें चीनी घुली हुई है, यहाँ से निकाले सॉल्यूशन, यहाँ से निकाले, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सभी का टेस्ट क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब शुगर यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो गई है, अब वो क्या बनाती है, सॉल्यूशन बनाती है, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सर होता है, ठीक है। और हम कल पढ़ेंगे।